ये देखो भाई, ये है रोल ऑन का चेन स्प्रॉकेट जो कि लगेगा बाइक में अभी फिलहाल, और इसको एक बार खोल लेते हैं हम। ये देखो भाई, ब्रास कोटेड चेन है ये। ये देखो चेन को, और उसमें बीच वाला छोटा फ्रंट रोटर है। बाइक चढ़ान पर भी स्ट्रेच कर रही है, मतलब खींच रही है, मतलब पावर बाइक में बहुत अच्छा आ रहा है, डिलीवरी पावर बहुत अच्छा हो रहा है बाइक का। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। और यार मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो यार आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखने के लिए, बहुत ज़्यादा थैंक यू, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। और आज यार हम अपने बाइक में फाइनली चेन स्प्रॉकेट चेंज करवा लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं पहले अपने बाइक को वॉश करवाने, क्योंकि बाइक मतलब सचमुच बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तो पहले बाइक वॉश कराएंगे, उसके बाद स्प्रॉकेट लगवाएंगे। और हम समझो तो परफॉर्मेंस स्प्रॉकेट लगवा रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल स्प्रॉकेट है उसका प्राइस भी 3000 ही है, और जो रोल ऑन का परफॉर्मेंस स्प्रॉकेट आता है वो भी 3000 का ही है। तो ऊपर से जो रोल ऑन का है उसका थोड़ा सा लाइफ भी ज़्यादा है। तो भाई अगर आपको सेम प्राइस में बेटर क्वालिटी मिले तो आप क्यों नहीं लोगे, तो हम इसीलिए रोल ऑन का स्प्रॉकेट लगवाएंगे। सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगी इसी व्लॉग में। बाकी चलते हैं पहले बाइक को वॉश करवा लेते हैं, क्योंकि बाइक का जो पुल है ना पूरा खत्म हो चुका है, लाइक बाइक खींचती ही नहीं है। ये देखो लाइक अभी अगर हम अगर पुल भी करते हैं ना तो बाइक नहीं खींचती है, देखो नहीं खींच रही है। पूरा एक्सेलरेटर दे देने पे भी बाइक बहुत डीले के साथ भागती है, तो ये एक चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए स्प्रॉकेट चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। चलो शॉप तो खाली है भाई, पजेरो स्पोर्ट, क्या बात है क्या बात है। तो भाई बाइक तो धुल चुकी है, अब जाते हैं सबसे पहले स्प्रॉकेट का काम करा लेते हैं। अब बाइक क्या चमकती है यार, फोम वॉश करा लेने के बाद बाइक का जो शाइन है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का आता है, और जहाँ से हम धुलवाते हैं भाई उन लोगों का तो बात ही अलग है। डाउन शिफ्टिंग बोलते हैं, अभी ब्रेक नहीं लग रहा है क्योंकि अभी पूरा पानी से सना हुआ है गाड़ी। अभी अभी क्या हो रहा है ना कि जब हम गियर शिफ्ट करते हैं ना तो जर्क आता है, क्योंकि स्प्रॉकेट पूरा फूक चुका है, क्लचलेस करने में भी जर्क आता है, और वो चीज़ ठीक नहीं है भाई, एकदम ठीक नहीं है। अब मेरे को पानी पड़ रहा है, वाह। वो करिश्मा का एक पुराना एड नहीं आता था जिसमें उसका बाइक को कीचड़ से लथपथ कर देता था, और उसके बाद पीछे जो चलता था उसको कीचड़ पड़ती थी, वैसा वाला सीन है। मेरे को यहाँ पे पानी पड़ रहा है। ये देखो भाई, ये है रोल ऑन का चेन स्प्रॉकेट जो कि लगेगा बाइक में अभी फिलहाल, और इसको एक बार खोल लेते हैं हम। अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ये देखो ये उसका पीछे का रोटर है, और ये तुम्हारा चेन है, ये तो काटना पड़ेगा। ये देखो चेन में कुछ लगा हुआ भी है, ये देखो भाई ब्रास कोटेड चेन है ये। ये देखो चेन को, और उसमें बीच वाला छोटा फ्रंट रोटर है, अब ये लग जाएगा उसके बाद देखते हैं। ये देखो कैसे ये मुड़ गया है, पूरा मुड़ गया है, और उसी की वजह से ना पूरा लैग आ रहा है पावर में। और ये देखो टूट भी गया है, ये टूट गया है ये, और लगे हाथ हम पीछे का ब्रेक पैड भी चेंज करा लेंगे, क्योंकि ब्रेक पैड भी पूरा गया हुआ है पीछे का। ये देखो मेरा बाइक का ब्रेक पैड जो पुराना वाला है, ये पूरा घिस चुका है, मेरा डिस्प्ले में भी मार खा गया मेरा डिस्प्ले। ये देखो ये जो पट्टी दिख रही है ना पतली सी, उतना टच नहीं करना चाहिए, ये पूरा आपका डिस्प्ले को खा जाएगा, और मेरे साथ वही हुआ है अभी। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे भाई,
डिस्प्ले तो मार खा चुका है मेरा पूरा। और ये देखो, ये है मेरा कैलिपर, ये मतलब कैलिपर कह रहा है फ्रंट स्प्रॉकेट, और इसका टीथ जो है देखो मुड़ा हुआ है, पता है सारा टीथ थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है। और ये हुआ क्यों है पता है, कोई बता सकता है? चक्का उठाने से सारा स्प्रॉकेट लास्ट लास्ट में टेढ़ा हो चुका है, व्हीली का साइड इफेक्ट। चलो देखो भाई, स्प्रॉकेट लग चुका है पूरा अच्छे से, ये टाइट भी है पूरा अच्छा। बात बात पे तो हाथे गंदा हो जाता है मेरा। पीछे का ब्रेक पैड भी लग चुका है नया इस बार, अब बाइक हो गई पूरी मेंटेन, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। Few minutes later. तो भाई देखो, स्प्रॉकेट चेंज हो चुका है, और इस स्प्रॉकेट का प्राइस है आपको 2700। तो 2700 लगा मेरे को इस स्प्रॉकेट चेंज कराने में, और जो नॉर्मल इस स्प्रॉकेट में चेन का आवाज रहता था ना, वो इस वाले स्प्रॉकेट में नहीं आ रहा है। और ये वाला चेन भाई, भाई कितना ज्यादा स्मूथ लग रहा है यार, भाई बाइक तो भागने को एकदम तैयार हो गई है। वाओ स्मूथ, अब शिफ्टिंग भी बहुत कमाल का हो रहा है, एकदम स्मूथ हो रहा है, डाउन शिफ्टिंग भी एकदम स्मूथ हो रहा है, और बाइक एकदम भागने को तैयार है, पता है? देख रहे हो, अब जा करके बाइक में वो पुरानी वाली फील आ रही है। और एक बार रुक करके हम आपको चेन स्प्रॉकेट अच्छे से दिखा देते हैं। और स्प्रॉकेट आप रोल ऑन का लगाओगे तो उसका फायदा ये है कि जो नॉर्मल आपका जो स्प्रॉकेट होता है ना, उससे 20% ज़्यादा लाइफ मिलता है आपको रोल ऑन के चेन स्प्रॉकेट में, और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो यही सारे फायदे हैं भाई। ओ तेरी यसडी जावा, अच्छा लग रहा है नया नया बाइक है, अभी निकाल करके ला रहा, नंबर भी नहीं है। देख लो भाई स्प्रॉकेट, देख लो भाई गोल्डन गोल्डन कलर का चमक रहा है, क्या मस्त एकदम एकदम, देख लो। और ये जो स्प्रॉकेट है, अभी 5-6 दिन के अंदर ये चेन थोड़ा सा लूज हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रीस लगा हुआ है इस चेन में अभी, तो उसके बाद जब भी आप स्प्रॉकेट चेंज कराओ तो 4-5 दिन के बाद ये पूरा लूज हो जाएगा। तो उसको एक बार टाइट करा लेना, और उसके बाद जैसे नॉर्मली आप चेन मेंटेन करते हो वैसे मेंटेन करना, कोई इशू नहीं आएगा। बाकी अभी इसको थोड़ा सा टॉप रन चला के देखते हैं, थोड़ा हाई स्पीड पे कैसा रिस्पॉन्स आता है। अब बाइक भाग रही है यार, अब जा करके लग रहा है कि बाइक में वो पुरानी वाली वाइब आ गई। डाउन शिफ्टिंग करने के बाद बाइक में पावर आ रहा है, पहले डाउन शिफ्टिंग करने के बाद भी पावर नहीं आता था। और बाइक के ब्रेक्स क्या काम कर रहे हैं यार। चलो एक टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं कितनी जा रही है बाइक, अभी तो 107 ही गई है। तो 120 तो आराम से टच कर रही है, सच बता रहे हैं भाई, बहुत इम्प्रूवमेंट है। लाइक पुराना स्प्रॉकेट जो रहता है ना, जो यामाहा जो स्प्रॉकेट देती है ना, उसमें ये फील नहीं है। अभी बाइक एकदम खुल के भाग रही है, पहले ये चीज नहीं हो पा रहा था। गियर डाउन करने के बाद तो बाइक गोली की तरह निकल रही है। चला जाए भाई हटो, अब यहां से एक बार चेक करते हैं।
बाइक चढ़ान पर भी स्ट्रेच कर रही है, मतलब खींच रही है, मतलब पावर बाइक में बहुत अच्छा आ रहा है, डिलीवरी पावर बहुत अच्छा हो रहा है बाइक का। तो यार देखो, इस स्प्रॉकेट का रिव्यू हम लॉन्ग टाइम में कैसा था हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। बाकी आज के इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे फिर से किसी नए से धमाकेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ। देख रहे हो चढ़ान पे भी बाइक एकदम एफर्टलेसली चढ़ रही है, और जो पुराना स्प्रॉकेट था उसमें वो पावर लैग हो रहा था क्योंकि स्प्रॉकेट फूक चुका था पूरा।